अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से? मैं हूं आपका होस्ट हम्माद हसन और आप देख रहे हैं डियर वल्सन जी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमने देखना है कि एचरफ को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका यूज़ है, क्या क्या उसके अंदर उसकी यानी कि क्या क्या सर्च हम कर सकते हैं, क्या उसकी ऑप्शंस हैं और क्या कैसे हमने सर्च करना है, अपना अपना जो कीवर्ड्स है वो कैसे सर्च करना है। तो सिंपल ये एचरफ आपके सामने खुला हुआ है, ये पेड वर्जन है, फ्री में नहीं है, तो आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करके लॉग इन पासवर्ड आप लगाएंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे डैशबोर्ड ओपन होगा तो आप यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स वगैरह या कुछ उसकी एनालिटिक्स जो है वो शो हो रहा होगा। अच्छा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आप डोमेन या यूआरएल को सर्च कर सकते हैं, साइट एक्सप्लोरर भी उसको कहते हैं, ठीक है। एक ये ऑप्शन आता है हमारे पास एचरफ में, ठीक है, साइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोई भी यूआरएल आप पुट करेंगे जिसका भी आप एनालिसिस करना चाहेंगे तो वो पुट करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको एनालिसिस मिल जाएगा। उसके बाद कीवर्ड्स एक्सप्लोरर है कि आपने कीवर्ड्स जो हैं आपके, आप जैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कीवर्ड्स जो हमने बेसिकली प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, फिर LSI हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने कैसे फाइंड आउट करनी है वो इसके अंदर फाइंड आउट करनी है हमने। फिर उसके बाद रैंक ट्रैकर ट्रैकर है, ठीक है, ये एक और साइट ऑडिट्स भी आप कर सकते हैं। ये कीवर्ड एक्सप्लोरर की बात है, साइट ऑडिट के जो साइट है उसका ऑडिट कर सकते हैं आप कि उसमें क्या चीज़ें मिसिंग हैं, कहाँ पे रैंक कर रही है, उसका हेल्थ स्कोर क्या है, लॉस्ट क्रॉल कब हुआ है, स्टेटस क्या है उसका, तो ये सारी जो हैं वो चीज़ें यहाँ पे साइट ऑडिट में आएंगी, यानी कि स्क्वायर कब है, URL क्रॉल कितने हैं, कितने क्रॉल हुए हैं, यानी कि ये आपने देखा होगा कि जब हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को पुट करते हैं तो वो क्रॉल करता है, उसको इंडेक्स भी करता है, क्रॉल भी करता है, तो वो उसको वेरीफाई करता है आपकी वेबसाइट को, तो वो सारी जो उसका एनालिसिस है, जो एनालिटिक्स है आपकी वेबसाइट का, वो HRF में साइट ऑडिट में आ जाएगा। उसके बाद आता है कंटेंट एक्सप्लोरर कि कंटेंट आपने किस तरह एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो 40 मिलियन न्यू पेजेस, ठीक है, आर डिस्कवर्ड एवरी 24 आवर्स, यानी इतने गूगल के ऊपर या इतने आप कह लें कि वेबसाइट्स के 40 मिलियन न्यू पेजेस जो हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं और एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 5 बिलियन पेजेस जो हैं वो इंडेक्स करता है, ठीक है। तो गूगल जो है वो उसकी फिर ये HRF जो है वो उसकी रिपोर्ट निकाल के आपको बताता है कि किस तरह। अब मोर में जाएंगे तो मोर में HRF रैंक है, बैच एनालिसिस है, वर्डप्रेस प्लगइन्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा छोटा सा कि HRF को किस तरह इस्तेमाल करना है और किन किन चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा एनालिसिस, उसमें डैशबोर्ड है, साइट एक्सप्लोरर है, कीवर्ड्स एक्सप्लोरर है, साइट का ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल है, ये आपको SEO करते हुए आपको रैंक करना, जब भी आपने तो यहाँ से एनालिसिस करना है आपने कि सपोज यहाँ पे हम कोई कीवर्ड पुट करते हैं, कोई भी आप कीवर्ड पुट करें तो उसका एनालिसिस ये बयान करेगा, एनालिसिस बताएगा आपको, और किस कंट्री में आपने करना है तो वो बताएगा कि किस कंट्री में आपको चाहिए उसका एनालिसिस, कि उसकी सर्चेस कितनी है, क्या है। यहाँ पर हम कोई भी सर्च जो है वो करते हैं, SEO हम पुट करते हैं, ये देखें ये SEO को हमने जस्ट एक कीवर्ड हमने पुट किया ऐसे का, तो उसने उसका एनालिसिस निकाल के दे दिया हमें कि क्या है उसका एनालिसिस। उसकी जो डिफ़िकल्टी है वो बहुत हार्ड है, 97 उसकी डिफ़िकल्टी है, ठीक है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ हाउ हार्ड इज टू रैंक इन द टॉप 10 ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट फॉर अ कीवर्ड, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम उसका है एन एस्टिमेशन ऑफ द एवरेज मंथली नंबर ऑफ सर्चेस, यानी कि मंथली इतनी 1,17,000 उसकी सर्च वॉल्यूम्स हैं, और अगर इसे CPCs पे चलाना चाहेंगे तो $8 हमें लगेंगे, ठीक है। क्लिक्स कितने हैं, 57,000 है,
और ग्लोबल वॉल्यूम उसका 1.5 मिलियन, ठीक है। तो उसमें यूनाइटेड किंगडम्स है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया में है, इंडोनेशिया में है, तो मेजर जो है ये यहाँ पे इसकी सर्चेज हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस कि आपको HNF किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने आपने परचेज करना है, परचेज करने के बाद आपने इसको लॉग इन पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आप इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो बहुत सारे मज़ीद ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।